भड़वा पड़वल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 7 से 8 भड़वा पड़वल ले लिया है। सबसे पहले हम पड़वल के दोनों एजेस को काट देंगे, तो ऐसे हम दोनों साइड से काट लिया। अब हम एक पीलर से इसको पील करेंगे, तो आपके पास जैसा भी पीलर हो उसे ऐसे पील कर लीजिए। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसे हमें हार्ड पार्ट कहते हैं वो निकल जाता है, फिर जब हम इसे स्टफ करके फ्राई करेंगे तो खाने में बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो ऐसे हम इसे पील कर लेंगे। हम ऐसे घुमाते हुए परवल को अच्छे से छील लिए हैं। ये पार्ट जब फ्राई होता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम बाकी भी परवल ऐसे ही छील लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी परवल को अच्छे से छील लिया है, यानी कि उसका स्ट्रॉन्ग छिलका हटा दिया है। अब हम एक नाइफ की मदद से इसमें कट लगाएंगे। तो हम एक साइड में ऐसे नाइफ को चुभाते हुए कट लगाएंगे, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करना है, एक स्पून की पिछली वाले हिस्से से इसकी सीड निकालनी है। तो बहुत ही आसानी से हम ऐसे इसे दोनों साइड से करेंगे और अंगुलियों से खींच लेंगे। तो ये अपना स्टफिंग का एरिया बन गया। एक और दिखा देती हूँ, नाइफ से हमें आधे परवल में कट लगाना है। एक स्पून के पिछले वाले हिस्से से हमें इसकी सीड निकाल देनी है। आप ताजी परवल लेंगे तो उसका सीड पका हुआ नहीं होता है, और बहुत कड़क परवल लेंगे तो उसमें से उसकी सीड जो है वो बहुत कड़क कड़क निकलती है। तो यहाँ पे हमें ताजा और सॉफ्ट परवल लेना है। तो हम इसे ही सभी बीज को निकाल देंगे और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो हमने सभी परवल का बीज निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खोखला हो चुका है। चलिए हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल डाल लिया है। इसमें हम डालेंगे कुछ मस्टर्ड सीड यानी कि राई के दाने। इसे हम हल्का सा चटका लेंगे। आप सुन सकते हैं अपनी राई चटकने लगी है। इसमें हम 1/4 चम्मच यानी कि 2 से 3 चुटकी हम हींग डाल देंगे। हींग के बाद हम इसमें एक बड़ा कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमने थोड़ा छोटा छोटा काट रखा है। इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। इसकी कच्चापन जाने देना है, हमें ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं अपने प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ है। इस स्टेज पे हम डालेंगे यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च जिसे हमने छोटा छोटा काट रखा है। इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। 2 से 3 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 मसाला को हम कुछ ही सेकंड भूनेंगे क्योंकि ड्राई मसाला है तो इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है। इसमें हम 4 मीडियम साइज आलू को डाल रहे हैं जिसे हमने बॉयल करके पील करके मैश लिया है। तो हम मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे आलू में। साथ में ही हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरी धनिया पत्ता और हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही चटपटा अपना भड़वा परवल तैयार होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फाइनल इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे आप समझ के नमक डालिए क्योंकि परवल भी हमें स्टॉफ करना है इसके साथ। अब हम अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जो परवल बच्चे नहीं खाते हैं वो भी ये परवल की रेसिपी देख के सब्जी के शौकीन हो जाएंगे, यानी कि परवल की सब्जी खाने लगेंगे। तो चलिए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
आलू के साथ हमने सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चलिए हम परवल को स्टफ कर लेते हैं। हमने जो परवल को पील करके उसके बीच का सीड निकाल रखा था उसमें अब ये स्टफिंग करेंगे। तो ऐसे हम दोनों पॉइंट को दबाएंगे तो इसका मुंह जो है खुल जाता है और हम चम्मच में ये मसाला लेके और धीरे से ऐसे भर देंगे। बहुत ही मजेदार रेसिपी ये तैयार होती है। इसके आगे तो दम आलू भी फीका लगने लगता है। तो जितना एक बार में स्टफिंग आ सके उतना ही हम डालेंगे और एक्स्ट्रा चम्मच की मदद से निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी परवल भर के तैयार हो रहा है। इसे हम एक प्लेट में ऐसे रखते जाएंगे और सभी परवल हम ऐसे ही स्टफ करेंगे। हमने सभी परवल में स्टफिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस पे कड़ाही में एक बड़ा चम्मच तेल लिया है और उसमें हम एक एक परवल को धीरे धीरे ऐसे छोड़ देंगे। एक एक परवल को हम ऐसे छोड़ देंगे। अब हम कवर करके इसे 1.5 से 2 मिनट तक एक साइड से मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। फिर हम आपको फ्लिप करके दिखाएंगे कैसा दिखता है अपना भरवा परवल। आप देख सकते हैं अपनी परवल कितनी बढ़िया पक रही है। तो हम एक चम्मच की मदद से इसे ऐसे फ्लिप कर लेंगे क्योंकि हमें चारों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई करना है। एक साइड से देखिए कैसा ब्राउन अपना दाग आ चुका है, यानी कि एक साइड अपना अच्छे से पक चुका है। तो हम घुमाते हुए हर साइड इसे 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे तो बढ़िया सा ही अपना भरवा बर्गर तैयार हो जाएगा। टोटल प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे तभी ये अच्छे से पक पाएगा। तो चलिए हम कवर करके इसे 1 से 1.5 मिनट और पका लेते हैं। चलिए हम फिर से परवल को अपना चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी परवल फ्राई हो रहा है। तो हम चम्मच की मदद से इसे फिर से ऐसे फ्लिप करेंगे। ऑलमोस्ट ये पक चुका है, केवल हमें इस पे थोड़ा सा और कलर आने के लिए उलट पलट करना है, नहीं तो ये पक चुका है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमने इसे घुमाते हुए चारों तरफ से उलट पलट के फ्राई कर लिया है। ये परफेक्ट अपना परवल पक के तैयार हुआ है। इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो हम एक चम्मच की मदद से आराम आराम से परवल की प्लेटिंग करेंगे। टेढ़ा करके एक्स्ट्रा तेल हम कड़ाही में ही छोड़ देंगे, इसमें हम कोई और भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड भरवा परवल बनाने में बिल्कुल कम तेल लगता है और ये दम आलू को भी मात देता है रेसिपी। तो ऐसे ही हम सभी परवल निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया भरवा परवल बनाना कितना आसान है। जो बच्चे परवल खाना नहीं पसंद करते हैं उसे भी परवल की शौक हो जाएगी और